IPL का 12वां सीजन 23 मार्च को वर्तमान चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच के साथ प्रारंभ हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स टीम की गिनती IPL इतिहास की सबसे सफल टीमों में की जाती है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जाता है, जिन्हें IPL इतिहास का सबसे सफल कप्तान भी माना जाता है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई 3 बार IPL का खिताब अपने नाम कर चुकी है। टीम मैनेजमेंट को धोनी के नेतृत्व पर कितना भरोसा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2008 में IPL की शुरुआत से लेकर अब तक हर सीजन में धोनी ने ही चेन्नई टीम की कप्तानी की है। इस सीजन में भी चेन्नई सबकी पसंदीदा टीम के रूप में मैदान पर उतरेगी, साथ ही कप्तान धोनी भी एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं। धोनी लगा सकते हैं जीत का सैकड़ा। IPL 2019 में महेंद्र सिंह धोनी 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान भी बन सकते हैं। धोनी अब तक 94 IPL मैच जीत चुके हैं। धोनी की सफलता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि IPL इतिहास में अब तक किसी भी अन्य कप्तान ने 80 जीत के आंकड़े को भी नहीं छुआ है। IPL में सबसे अधिक मैच जीतने के मामले में धोनी के बाद गौतम गंभीर का नंबर आता है। गंभीर के नाम IPL में 71 जीते दर्ज हैं। धोनी और गंभीर के अलावा केवल रोहित शर्मा ही ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 50 से अधिक मैच जीते हैं। आइए हम बात करते हैं IPL के 10 सफल कप्तान की, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक 159 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 94 मैचों में जीत हासिल की है और इनको 54 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने 129 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें इन्होंने 71 मैच में जीत तथा 57 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। अब नंबर 3 पर बारी आती है मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की, जिन्होंने 89 मैचों में 51 जीत तथा 37 मैचों में हार मिली है। अब बारी आती है बंगलौर के कप्तान विराट कोहली की, इन्होंने 96 मैचों में 44 मैच में जीत तथा 47 मैच में हार का सामना करना पड़ा है।